नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण दिवस 5 जून 2019 को बड़े धूमधाम से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रही है भारत सरकार और भारत के लोग। पर्यावरण को लेकर सभी देश विदेश के लोग चिंतित हैं। पर्यावरण को गंभीरता से देखते हुए पर्यावरण को और जागरूक करने की ज़रूरत है। पर्यावरण दिवस पर लोगों को, महिला हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सभी को पर्यावरण दिवस के रूप में राष्ट्रपति भवन के सामने हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं पर्यावरण के ऊपर विशेष तौर से हमारी नज़र है और लोगों को बताना चाहता हूं कि पर्यावरण के ऊपर विशेष तौर से लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अपने आसपास, घर के आसपास पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए। हमारे जो है सहयोगी राकेश ने बताया कि नीम के पौधे अगर आप लगाते हैं तो सबसे बड़ा जो है पर्यावरण के खतरा से बचा जा सकता है, प्रदूषण से बचा जा सकता है, पर्यावरण शुद्ध हो सकता है। तो हमारे साथ और भी एक मेहमान जुड़ गए हैं और मैं उनसे बात करेंगे कि आखिर में पर्यावरण के ऊपर क्या सोचते हैं, क्योंकि 5 जून 1980 में इसकी मंत्रालय बनाया गया था पर्यावरण के लिए। आज पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है। तो इस विषय में अब दिवस भी आ गया है, 5 दिन रह गया है, तो हम उसी जानने निकले हैं। और ठीक राष्ट्रपति भवन के सामने और सांसद भवन के सामने खड़ा हूँ और मैं आज यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं पर्यावरण के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ज्योति कृष्ण मिश्रा जी। मिश्रा जी, आप ये बताइए पर्यावरण के लेके आप कितना चिंतित रहते हैं, आज पूरे विश्व को बताइए क्या कारण है? पर्यावरण के लिए तो हम यंग जनरेशन बहुत चिंतित है, खास करके वो एडिक्टेड वाला फैशन वाला पेड़ वो लगाना बंद करें, सर्च करें और मैक्सिमम जगह में मोर ऑक्सीजन वाला पेड़ लगाना हमारे लिए सही रहेगा। और ये जैसे फार्म से लेते हैं छोटा छोटा पेड़, वो छोड़ के जो जनरली एनवायरनमेंट को ज़्यादा अच्छा लगे वो वाला पेड़ यूज करना हमारे लिए सही रहेगा मेरे मत। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा पेड़ लगाना चाहिए, तो कौन से पेड़ लगाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा मानव जातियों के लिए, जीव जंतु के लिए ज़्यादा फायदा होता है? खास करके मैं तो बोलूँगा जैसे कि भले ही आप आम का पेड़ लगा दो, 120 वगैरह का पेड़ लगा दो, जिसमें आपको फ्रूट भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा, क्योंकि जनरली हमारा आम का पेड़ तो बड़ा ही होता है। लेकिन हमारा जो मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि हर पेड़ में कुछ ना कुछ भला ही होता है, लेकिन हमारे डिजाइनिंग पेड़ को थोड़ा बंद करना पड़ेगा। और हम भी देख देख के थक चुके हैं, कोई भी जाते हैं, पार्क जाते हैं, गार्डन जाते हैं, हमको तो ये वाला पेड़ मिल जाता है, लेकिन वो नेचुरल एनवायरनमेंट का एहसास नहीं होता है। तो आज हम रोड के किनारे में अगर नेचुरल वाला पेड़ जो दिखने में नेचुरल लगता है वो लगाएंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा जी। चलते चलते मिश्रा जी, एक सवाल और पूछूंगा, जैसे कि पेड़ लगाने से क्या क्या फ़ायदा है आज पूरे भारत में? देखिए, फ़ायदा तो है, एक्चुअली में क्या है कि जैसे दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, यहाँ पे तो सख्त ज़रूरत है पेड़ का, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। पिछले 4-5 दिन से तो ये 43 डिग्री क्रॉस कर चुका है और यहाँ पर पेड़ का ज़रूरत इसलिए है कि हमारा तो रिकॉर्ड बता रहा है ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में। एटलीस्ट बिगर साइज का पेड़ रहेगा तो हम छाए में बैठ सकते हैं, रेस्ट भी ले सकते हैं, ये तो नहीं कहीं तक खड़े होगा कि यही अच्छा रहेगा हमारे लिए। भारत में पर्यावरण को लेकर बहुत बड़ी गंभीरता आई थी और वहीं पर 5 जून 1980 में यह पर्यावरण दिवस एक मंत्रालय बनाया गया और उस मंत्रालय में लोगों को पर्यावरण के बारे में विशेष तौर से लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत आई है। पर्यावरण दिवस 5 जून 2019 को बड़े धूमधाम से भारत सरकार मना रही है और भारत के नागरिक भी बड़े ज़ोर शोर से अपने आसपास, घरों के आसपास पेड़ पौधे ज़रूर लगाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है या पर्यावरण को लेकर सभी देश आज चिंतित हैं। पर्यावरण को गंभीरता से देखते हुए लोगों को जागरूक करने की और ज़रूरत है। पर्यावरण दिवस पर खास दिवस 5 जून 1980 में भारत सरकार ने यह पर्यावरण मंत्रालय बनाया, जिससे कि लोगों को यह पता चले कि हमारे देश में पर्यावरण को लेकर किंदा गंभीरता से कार्य चल रही है। आप आगे रिपोर्टिंग देखते रहिए, हम आपको पर्यावरण के बारे में विशेष तौर से आपको बताते रहेंगे, आप पर्यावरण के विश्व के क्या नतीजे आ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं पर्यावरण दिवस के बारे में। जय हिंद, जय भारत करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको